नमस्कार। सो आप लोग कई बार कई लोग फोन आते हैं, स्पेशली इस केस में ना कि जब भी अपग्रेडेशन अलाउड होता है और हम अपग्रेड ना हुए तो क्या होगा। और स्पेशली एक क्लाइंट का फोन आया था कल, भाई पेड कॉल, तो मैंने कहा चलो सबको बता देता हूँ। और मैं उनको तो मैंने बता ही दिया था, इससे पहले मैं वीडियो बनाता, इन लोगों ने लॉन्च ही कर दिया है ये नोटिस, और नोटिस बहुत क्लियर है, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं बचनी चाहिए। देखिए जो ऑब्वियस बात है, वो कहते हैं राउंड वन कैंडिडेट्स जिनको अपग्रेड नहीं हुआ उनको बस चॉइस फिल करनी है, क्योंकि उनकी जो विलिंगनेस है वो यस ऑटोमेटिकली ली जाएगी। अभी विलिंगनेस कब आती है याद कीजिए, हमने कहा था कि जब आप राउंड वन में रिपोर्ट करने गए थे उन्हीं के लिए तो लागू है ना ये चीज़। तो जो राउंड वन में रिपोर्ट करके आ गया, उससे उस समय उस कॉलेज ने आपसे पूछा था कि क्या आपको अपग्रेड के लिए जाना है, और आपने यस बोला था, तो वो विलिंगनेस तो अभी तक लागू है, क्योंकि आप उसी कॉलेज की सीट आपकी बरकरार है। जब आपका अपग्रेड नहीं हुआ विच मीन्स वो कॉलेज की सीट आपकी बरकरार है और वो सिस्टम भी बरकरार है। यही मैंने उन भाई साहब को परसों बताया था, और यही बाकी सब स्टेट में भी होगा। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उत्तराखंड में जहाँ 2 to 3 तक अपग्रेडेशन अलाउड है इस बार, हरियाणा जहाँ इस बार अपग्रेडेशन अलाउड है, जहाँ पर भी 2nd से 3rd में अपग्रेडेशन अलाउड है, देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना, हर काउंसलिंग का रूल अलग है, एमसीसी का रूल हर जगह लागू नहीं होता। 26 हिंदुस्तान में अगर अलग काउंसलिंग चल रही है तो 26 के 26 के रूल डिफरेंट है। तो जहाँ पर भी इस साल आपको ऑप्शन दी गई है अपग्रेड की, कि भाई राउंड 2 to राउंड 3 अपने आप का अपग्रेड है, वो चलेगा, ठीक है ना, तो उसमें ये रूल सेम रहेगा। तो मुझे मोटा मोटी याद है हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी है, तो जहाँ पर भी 2 to 3 अपग्रेड आपको दे रहे हैं और आपकी 1 to 2 में सेम सीट रहती है, देखिए आप नीचे तो नहीं गिर सकते ना, तो यहाँ सेम सीट थी आपकी, या आपने अपग्रेड मांगा, आपको अपग्रेड मिल गया तो वैसे पुरानी सीट चली गई आपकी, नई सीट आपके हाथ में आ गई है, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और फिर आप कह सकते हो अपग्रेड, हाँ क्या ना। तो वही चीज इन्होंने क्लियरली कर दी है, फ्रेशली एलोकेटेड कैंडिडेट्स में फिलअप एडिट, जो मैंने अभी बोला है ना। तो ये तो ऑप्शन है कि जो राउंड 2 में नए नए आए थे उनको सीट मिली, या तो वो नहीं लेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, 2 लाख रुपए चले जाएंगे, या वो रिपोर्ट करेंगे, जब वो रिपोर्ट करने जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा भैया तुम्हें अपग्रेड में जाना है कि नहीं जाना है, वही राउंड वन वालों के साथ हुआ था। और जो राउंड वन में रिपोर्ट करने नहीं गए थे उनका तो एग्जिट हो गया था, और जो राउंड 1 राउंड 2 में जिनको सेटिस्फाइड है वो बस सिंपल सी बात है, तुम फ्रेश चॉइस फिलिंग करना मत, वो कह रहे स्पेशली राउंड 1 कर दे, जब राउंड 2 वाले लोग हैं वो जब रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो मना कर दें विलिंगनेस को। और राउंड 1 वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आप ये राउंड 1 सीट को ही फाइनल माना जाएगा, आपको अपग्रेड पे जाने की, बाई डिफॉल्ट आप अपग्रेड पे नहीं जाओगे। तो वहाँ आपकी विलिंगनेस यस थी, पर अक्सर यही होता है कि आप लोग अपग्रेड करना चाहोगे, और फिर भी उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया। स्पेशली ये देखो राउंड 1 के लिए लागू है, क्योंकि जो राउंड 2 के कैंडिडेट्स हैं वो जो अभी भी जाके रिपोर्ट करके आएंगे वो तो यस बोल के आएंगे, और जिनको अपग्रेड नहीं करना वो नो बोल के आएंगे वहाँ पर अपनी डीम यूनिवर्सिटी में या ऑल इंडिया कोटा की सीट में। और राउंड 1 वाले के लिए ये ऑप्शन आ गया, क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, राउंड 1 2 कैंडिडेट शुड नोट दैट दे हैव टू रिमेन इन सिस्टम एंड शुड बी होल्डिंग देयर सीट टू फिल इन राउंड, दैट मीन्स भाई अब कोई इस्तीफा दे देगा तो वो बाहर हो जाएगा और उसका 2 लाख का नुकसान। तो मैं कुछ ये भी कह दूँ, किसी ने इस्तीफा दिया तो काउंसलिंग से बाहर हो गया तो भी उसको अलाउड है दोबारा फिर से 2 लाख देना, तो हम ऐसा क्यों करेंगे अगर राउंड 3 में आपको दोबारा पार्टिसिपेट करना है। तो एनी राउंड 2 कैंडिडेट हु वॉन्ट टू रिजाइन मे एग्जिट विद फॉरफीचर बिफोर चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3, देर विल बी नो ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन आफ्टर स्टार्ट ऑफ चॉइस फिलिंग। जो कैंडिडेट्स हु हैव एग्जिटेड फॉर फ्यूचर राउंड 3 विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड एनी फर्दर राउंड, हैंस एग्जिटेड फॉर फ्यूचर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम काउंसलिंग। अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है जो उसमें क्लियर नहीं हुआ, किसी का फोन है ऐसा मुझे राउंड 1 में मिली है भाई जबरदस्ती मैंने ले ली, एक्चुअली मुझे परसों वाले क्लाइंट थे कि तमिलनाडु की मैंने सीट, हम सर रिपोर्ट करने गए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहते हैं हम रिपोर्ट करने गए चूंकि हम फीस भर चुके थे, हम वहाँ गए, मैं नाम नहीं लूंगा तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का, और वो कहने को टॉप 2 में मानी जाती है जो तमिलनाडु की, तो आप समझ जाइए। और ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, मतलब देखिए वीडियो पे अच्छा ही लगता है कि मैं किसी का नाम लूँ, बट इफ यू गाइस ट्रस्ट मी तो मान लीजिए। तो वही जो मैं आपको समझाता हूँ, और चलो ये भी दे देता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर है और उसका नाम एस से शुरू होता है, आप पता कर लीजिए, ठीक। बच्चा गया है, मुझे मुझे तो बच्चे के पापा से बात हो रही है, कहता है जी बच्चा वहाँ जाके रो पड़ा, चूँकि कहता है जी हमने फीस पहले ही भेज दी थी RTGS से, हम रिपोर्ट करने गए और बच्चा वहाँ रो पड़ा है कि भैया मुझे बचाओ, मुझे वापस लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना।
क्या सर हमने राउंड टू अपग्रेड मांगा, हमारा हमें बिल्कुल अपग्रेड नहीं हुआ, सेम सीट मिली हुई है, अब हम क्या करें। तो उनके लिए भी है कि अगर राउंड थ्री में भी आप अपग्रेड आप नहीं होता, आपके पास सेम सीट है, तो भी आप इस्तीफा दे सकते हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि हाँ फिर आप स्ट्रे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे और आपको फीस भी सारी वापस मिल जाएगी, सिर्फ 2 लाख रुपए आपके खाए जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। आप लोग देख रहे हो कि मैं वीडियो साशल का क्लब कम बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ हमारा वो एक्शन टाइम चल रहा है और इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और जस्ट टू टेल यू कि हमारे वो 50 पूरे हो गए थे। हाँ बस ये था कि कुछ लोगों ने हमारी राउंड वन की सीट ले के बाहर हो गए हैं डीम्ड वाली, तो फिर से चलो ठीक है वो तो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर कम है। अभी 10-11 लोगों ने लिए, ज़्यादा नहीं, हम तो खुद ही बेस्ट सीट दिलाना चाहते हैं ना, तो हम सबको राउंड वन में नहीं निपटाते। तो 40 लोगों का काम अभी भी चल रहा है, हरियाणा यूपी पंजाब सभी इकट्ठे चल रहे हैं, साउथ के स्टेट्स, तो उसमें काफ़ी मैं बिजी रह रहा हूँ अपने क्लाइंट करंट क्लाइंट से काम करने के लिए, इसलिए आपको मैं वीडियो बना के ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पा रहा। तो जो भी समय मिलेगा आपको ज़रूर बताऊँगा, आपका दिन शुभ हो। और छोटी मोटी कोई डिस्कशन हमसे करनी हो, आप जानते ही हैं, पेड कॉल आप कर सकते हैं 9643362320 पे फ़ोन करके, 2500 रुपये फीस रहती है छोटी डिस्कशन की। फेस टू फेस आके मिलना चाहते हैं तो 5000 रुपये रहता है। फुल टाइम हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, जिन लोगों ने राउंड वन में सीट ले ली है उनकी वजह से मैं 6-7 क्लाइंट शायद मैं और ले सकता हूँ, जिनको हम अब से लेके लास्ट तक हेल्प कर सकते हैं फॉर देम टू गेट द बेस्ट पॉसिबल सीट। तो कॉल कीजिए जिसको भी वो हमारी सर्विसेज चाहिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। 9643362320, बाय बाय।